हेलो गाइस, वेल्कम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल, और आज अपन बात करेंगे। देखो, खास तौर से जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, और फर्स्ट ग्रेड में जैसे बायोलॉजी और फिजिक्स का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब जो काउंसलिंग होगी आरपीएससी के द्वारा, उसमें आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, फर्स्ट जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें उनके जो रोल नंबर आए हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी जो अगली स्टेप्स है, अगली स्टेप में उनको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो आरपीएससी की साइट पे, ऑफिशियल साइट के ऊपर है, वहां से आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन के अंदर जाना है आपको, इंपोर्टेंट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, डिटेल एप्लीकेशन कम सिक्योरिटी फॉर्म, तो यहाँ पर जाना है और आपको देखो यहाँ पे लेना है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो है ये वाला डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो ये इस पे लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। जैसे ठीक है, यहाँ पर दिया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, साक्षात्कार, अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह निरीक्षता प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। आवेदन पत्र शुल्क यहाँ पर 50 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है, आवेदन पत्र भरना है। ये मेन मेन जो चीजें हैं, आपको योग्यताएं भरनी है। ठीक है, अब आपको भरना कैसे है, आपको डायरेक्ट जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पेज नंबर 1 से लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाना है आपको, इस पेज को आपको फिलअप करना है। इसमें देखो पहली चीज तो है आवेदक द्वारा 2 प्रतियों भरा जाए, इसको मतलब ये जो पेज है यहाँ से लेकर जो मैं बता रहा हूँ प्रपत्र 1 से लेकर इससे आगे तक लास्ट तक जो पेज है उनके 2 सेट निकाल लीजिए, दोनों सेट को सेम भर लीजिए। और यहाँ पर देखो इसमें दिया है आवेदन पत्र के साथ, आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम पर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाएं। तो यहाँ पर 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, केवल एक, 2 फोटोकॉपी है ये, लेकिन आपको ये जो पोस्टल ऑर्डर है वो केवल एक ही लगाना है, 2 नहीं लगाना है। ठीक है ना। अब देखो आगे, आवेदक 2 मतलब 2 आपको इसकी फोटोकॉपी निकालनी है, 2 सेट तैयार करने हैं। सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट के भी 2 सेट तैयार कर लेने हैं अपने को, जो जो आवश्यक है आगे बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आपके आवेदक द्वारा हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो, आपकी जो भी कलर्ड फोटो है रिसेंट वाली, वहां पर आपको लगाकर इस पे थोड़ा सा सिग्नेचर कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपकी सबसे पहले रोल नंबर, आपकी जिस एग्जाम में आप क्वालिफाई किए हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड में क्वालिफाई किए हो, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से नहीं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आइडिया याद नहीं है तो आप एसएसओ पोर्टल के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन डिटेल है वहां पर जाकर भी आप इसमें देख सकते हो। ये आपको खाली छोड़ना, केवल अंतिम परिणाम है तो ये छोड़ना खाली। पोस्टल ऑर्डर जो आपने ये पोस्टल ऑर्डर लिया है, इस पोस्टल ऑर्डर बैंक के यहाँ पर क्या लिखना है, उसके नंबर लिखना है पोस्टल ऑर्डर के। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति निकली थी उस विज्ञप्ति की यहाँ पर तो क्या आ जाएगी, संख्या, विज्ञप्ति संख्या जो आती है ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, उसके कौन से नंबर पर थी वो सब्जेक्ट, यहाँ पर कोड होते हैं ना 1 से लेकर जैसे मान लो 20 तक थी या 30 तक थी, तो उनमें से आपके सब्जेक्ट किस कोड पर थी, जैसे बायोलॉजी है वो किस कोड पर थी, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। पद का नाम यहाँ पर आ जाएगा, स्कूल व्याख्या था, यहाँ पर विभाग का नाम तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षा विभाग। ठीक है, माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग, विभाग का नाम। और यहाँ पर देखो अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर आपको टिक लगाना है, जो भी आपका जिसी भी किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो वहां पर आपको केवल टिक लगाना है यहाँ से, चाहे आप सामान्य में हो, पिछड़ा वर्ग में हो, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ लिख कर इसको टिक लगा देना, एससी एसटी जो भी हो। ठीक है, मूल निवास व जन्म स्थान, यहाँ पर मूल निवास और जन्म स्थान आपका जो भी है, राज्य है और जन्म स्थान है, जिला है, तहसील है, अन्य है, आपका छोटा मोटा गांव ढाणी हो वो लिख सकते हो आप इसके अंदर। यहाँ केवल हाँ अंकित करें इसमें, और अगर गलत है तो वहां पर 0 का चिन्ह करें। तो यहाँ पर अविवाहित अगर है तो हाँ, नहीं है यहाँ पर लिखना, विवाहिता, विधवा, जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको
जो है वो तो हाँ कर देना और इसको क्रॉस कर देना। इसका एक भरा हुआ मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, कि कैसे आपको चलना है आगे। ठीक है, ये जैसे मैंने मेरा भरा हुआ है पहले से, तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से मैंने भर रखा है। यहाँ पर रोल नंबर आ गए, यहाँ पर आवेदक आ गया, आवेदक एप्लीकेशन नंबर आ गए, यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट उसके नंबर आ गए। ये मैंने कॉलेज लेक्चर का भरा हुआ है, हालांकि सेम भरना, आपको कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या आ जाएगी स्कूल लेक्चर की, यहाँ पर आ जाएगा स्कूल व्याख्याता, और यहाँ पर आ जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग। यहाँ पर सेम आ जाएगा, जो भी कैटेगरी है आपकी, जैसे यहाँ पर सबको क्रॉस कर दो, जो आपकी कैटेगरी है वहाँ पर टिक कर दो। आगे देखो यहाँ पर राज्य राजस्थान, जो भी जिला है, तहसील है, और आगे क्रॉस टिप्पणी अगर नहीं है तो। विवाहिता वाली कंडीशन के अंदर सभी में जो भी आपकी कंडीशन है क्रॉस करनी है। और यहाँ देखो सेवारत कर्मचारी, जो आप अभी अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो किस जॉब में हो आप, तो जैसे मैंने यहाँ कर रखा है तो यहाँ पर रख रखा है अराजपत्रित अधिकारी, यहाँ पर कर रखा है, तो और आप मैं क्रॉस कर दूँ उनको। अब यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है, तो आपका नाम है, इंग्लिश हिंदी में नेम है, फिर इंग्लिश में नेम है, फिर आपके पिताजी का नाम है, फिर माताजी का नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ के बाद में कितने आयु के अब तक हुए हो, वो जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसमें आप वो दिएगी कब तक करना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग करना है ही। एडवर्टाइजमेंट नंबर उसमें आता ही, तो वहाँ से अकॉर्डिंग देख लेना कितने साल आप कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर इंडियन आ जाएगा, आपका धर्म जो भी है, यहाँ पर अविवाहित क्रॉस, यहाँ पर विवाहित हाँ, और अगले सब में क्रॉस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका विवाह का पंजी विवरण आएगा, थोड़ा सा डिटेल आएगी, तो आपकी पत्नी या आपका हस्बैंड का नाम, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, और जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी संख्या, स्थान, और बनाने वाला अधिकारी, पंजीकरण अधिकारी। यहाँ पर देखो संतान विवरण, अगर आपके संतान है तो उसका नाम लिखो, अदरवाइज नील कर दो। दूसरी चीज पत्र व्यवहार का पता, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए, या परमानेंट मतलब या टेम्परेरी वाला, जहाँ पर आप रह रहे हो परमानेंट, अभी फिलहाल जो आप लोकेशन पर हो, जैसे आपकी ऑफिस है, आपका लोकल एड्रेस है, जो भी है वहाँ पर वो लिखना आपको। सेकंड आपका आ जाएगा 12 नंबर का पॉइंट, स्थायी निवास का पूरा पता, जहाँ भी आपका जो परमानेंट एड्रेस है गाँव का आपका जो भी है। यहाँ पर देखो आपकी शैक्षणिक योग्यता 13 नंबर के अंदर, तो आपकी जो भी योग्यता है, यहाँ पर देखो पहले तो सेकेंडरी पे टिक लगाना है, और यहाँ पर आपको प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक, कुल अंक कितने थे और प्राप्तांक कितने हैं, और प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना निकला, ग्रेड कौन सी बनी, कौन सी ईयर में पास की, ऐच्छिक विषय कौन से थे, कोर्स की अवधि कितनी थी 1 ईयर, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम तो BSER अजमेर, प्रयासों की संख्या 1, सेम ऐसे भरते हुए चलना है आपको, 1 1 1 1 सब कुछ। आगे नेट सेट में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप डाल सकते हो। शिक्षा विभाग में BED की, क्योंकि यहाँ BED की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए सेम आपको BED के अंदर भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर BED में सेम ऐसे ही करना है आपको, प्राप्तांक, कुल अंक, प्रतिशत, प्रथम या सेकंड, और आपकी वर्ष, ईयर पासिंग, और उसमें सब्जेक्ट क्या थे आपके BED में, वो सभी चीज आएगी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और कितने साल का था, 2 साल का चल रहा, और प्रयासों की संख्या 1, ठीक है ना, ये यहाँ तक आपको फिल करना है। अगर आपके पास कोई अन्य डिग्री या डिप्लोमा, वो भी आप ऐड कर सकते हो। इंटर्नशिप यदि लागू हो, ऐसा कुछ नहीं है अपने, तो नॉर्मल आगे चलते जाओ आप। यहाँ पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप कॉलेज लेक्चरर के लिए कर रहे हो तब तो इसको भरो, आप स्कूल लेक्चर के लिए करो वहां अनुभव की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसको आप खाली छोड़ सकते हो। आगे चलो आप अतिरिक्त विवरण सूचना, आप अभी किसी पोस्ट पर हो तो उसका पद का नाम, विभाग, वो सभी चीजें इसके अंदर डिटेल में आप डाल सकते हो, आप स्थायी हो, नहीं हो, कैसे हो, ठीक है। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु की सीमा में छूट लेना चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें, जिसके अंतर्गत आपको आयु सीमा में छूट प्राप्त करने की अधिकारी है, तो इसमें नहीं करना है कोई, अपने को नहीं चाहिए। इसमें भी कोई पुरस्कार मिला हो तो यस, और नहीं तो नहीं। यहाँ पर कोई शोध किया है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है, ये आपको करने हैं। आपको कभी आयोग द्वारा दंडित, अपन दंडित कभी हुए ही नहीं है, तो इसमें तो आप कभी भर भी मत देना, इसलिए इसको तो ब्लैंक ही छोड़ दो, ना कर दो चाहे। आवेदक द्वारा सत्ययुक्त घोषणा, तो यहाँ पर आपको देखो आपका स्थान, डेट, और आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा।
अब आगे देखो पेज नंबर कौन सा आ गया, ये पेज कौन सा था, 3, ये चौथा पेज है। यहाँ पर संलग्न सूची है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं उनकी कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, ठीक है। सभी को स्व हस्ताक्षरित करना है, सभी फोटोकॉपी जो है उनको आप अटेस्टेड कर दें खुद की। सबसे पहले आपने लगाई सेकेंडरी की मार्कशीट, यहाँ पर देखो जारी क्रमांक व दिनांक, आपके जो नंबर, आपकी इसकी जो सीक्वेंस नंबर है सर्टिफिकेट की, वो वाले नंबर और कब जारी किया गया है वो डेट आ जाएगी। संलग्न संख्या, जैसे मान लो आप डॉक्यूमेंट जो सेट कर रहे हो ना, उसको सेट का नंबरिंग है ये, पहला नंबर, फिर दूसरे नंबर पर क्या लगाया, तीसरे नंबर पर क्या लगाया, चौथे नंबर पर क्या लगाया है। तो इस लिस्ट को देखकर अगला जो ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि भी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब कौन से नंबर पर मिलेगा। तो पहले, सबसे पहले तो आ जाएगा सेकेंडरी का, फिर आ जाएगा सेकेंडरी का प्रमाण पत्र दूसरा, फिर आ जाएगा, कईयों के साथ ही आता था लेकिन कईयों के अलग भी आता है इसलिए, फिर आ जाएगा सीनियर सेकेंडरी, तो सीनियर सेकेंडरी का आ गया यहाँ पर, फिर सीनियर सेकेंडरी का वापस प्रमाण पत्र, फिर आ जाएगा स्नातक मतलब बीएससी बीकॉम जो भी आपकी है वहाँ टिक करें, और सामने उसकी जो है वो नंबरिंग लगाए, मार्कशीट के सीरियल नंबर, और यहाँ पर इश्यू ऑफ दैट, और कौन से पेज पे है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, क्योंकि 3 मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो तीनों लगा दो, 4, 5, 6 नंबर पर। फिर आपकी डिग्री आ जाएगी बीएससी की, तो यहाँ पर 7 नंबर पर डिग्री लगा दी और डिग्री के यहाँ पर क्रमांक लिख दिए पूरे। फिर आ जाएगी आपकी एमएससी की डिग्री, और मतलब एमएससी की मार्कशीट आ जाएगी 2, तो 8 और 9 नंबर पे, और उनके क्रमांक लिख दो और उनकी डेट लिख दो। सेम ऐसे लिख दो, फिर उपाधि मतलब आपको जो डिग्री है एमएससी की उसके नंबर लिख दो और 10 नंबर पे लगा दो। फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर, सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट, जो भी है का सर्टिफिकेट, पहले आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र की बजाय कोई भी लिख काट के लगा सकते हो आप इसको, और का सर्टिफिकेट आप लगा दो, का सर्टिफिकेट के आपके नंबर है और कितने नंबर पे लगा रहे हो, मूल निवास लगा दो कितने नंबर पे है उनके नंबर है, आधार कार्ड लगा दो उनके नंबर है, और आरएससीआईटी डिप्लोमा लगा दो उनके नंबरिंग और इश्यू डेट और कौन से नंबर पे लगाया है, और आपके जो भी शपथ प्रमाण पत्र है, आपको मान लो किसी भी चीज़ में एनओसी है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, शपथ पत्र है, वो सभी चीज़ें लास्ट में लगा दो। कौन से पेज पे लगा रहे हो, सामने पेज नंबर लिख दो, ठीक है, क्योंकि एनओसी चाहिएगी, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हो तो वहां पर एनओसी आपको लेके जानी पड़ेगी। शपथ पत्र अगर आपके किसी भी फॉर्म में, किसी भी नाम में, किसी भी चीज में मिस्टेक्स है, तो उन मिस्टेक का आप शपथ पत्र तैयार करवा लें कि ये नाम दोनों सेम है, इसलिए अगर इससे भविष्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, तो इसके लिए नोटरी वाले हूँ, अपने आप आपको बनाते हैं, उनको प्रस्तुति बताओगे तो, ठीक है ना, ये ऐसे करके चलना है अपने को। आगे एक तरफ चलो, अब ये है अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट कि आपने जो भरा है उसको चेक करो, सर्वथा अनुरूप, सही है। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सवर्थ अनुरूप है, तो अनुरूप ये मैंने सही भरा है। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके एमएससी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट है, तो हाँ यहाँ कर देना। अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित, हाँ यहाँ पर परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली, यस। साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण कर लिया, यस। ये तो आपको भरना ही नहीं क्योंकि इंटरव्यू है नहीं। उसी क्षेत्र में, उसी श्रेणी में, तो यहाँ पर दे रखा है जिस कैटेगरी में आपने हो क्या उसी में अप्लाई किया, यस। आवेदन की तिथि से पूर्व है, यस। ये चीजें आप पढ़ लेना, राजस्थान का मूल निवासी हो, हाँ। ये सभी चीजें आप पढ़ पढ़ कर इनको टिक करते जाना, ये अनुभव का है, शैक्षणिक योग्यता के उपरांत है, क्या है क्या नहीं, ये छोटी छोटी चीजें तो आप खुद ही भी कर लेना। अब एक फॉर्म है, ये है अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दी है, इस तारीख तक, तो इस तारीख तक आपकी डेट क्या है वो आपको लिखनी है। यहाँ पर विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा कितनी है, मिनिमम तो 21 है और मैक्सिमम कितनी है, 40, ये सबको फिक्स करने हैं। आगे आपको देखो, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी टिक करें, तो यहाँ पर टिक कर देना 5 वर्ष पे, ठीक है ना। आगे देखो आप इसको आगे चलते जाओ, इसमें कुछ खास नहीं है, तो आपके अगर कोई करेक्टर हो काम का तो आप पढ़ लेना भाई इसको, और यहाँ पर साइन करके नीचे चले, ये इसको खाली छोड़ दे क्योंकि ये कार्यालय का टिप्पणी मतलब आरपीएससी के द्वारा की जाएगी इसको फिलअप। यहाँ पर देखो एक लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन भरना अपने को ही है, ठीक है ना। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो विथ सिग्नेचर, यहाँ पर फोटो लगानी है और आपको साइन कर लेना है। अब इसको फिल कर लेना भाई, नाम आपका जो भी है, सरनेम आपका जो भी है, रोल नंबर आपके जो है,
यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है जो आपने पहले ऊपर लिखा है, यहाँ पर सेम आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पर रखा पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रेजिड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 5 ईयर। ये तो ना, इसको कुछ नहीं छोड़ देना इसको। यहाँ पर आपकी फादर डिटेल आ जाएगी, जैसे नाम है उनका, एड्रेस है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। क्या फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड सब इंडियन है तो इंडियन पे टिक लगा देना। प्रोफेशन में खाली छोड़ देना, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ तो लगा देना प्रोफेशन एग्रीकल्चर का जो भी है। इफ इन सर्विस डेजिग्नेशन, अगर आपके पापा को सर्विस में जॉब करते हैं तो यहाँ पर सर्विस की उनकी डिटेल आ जाएगी, प्रोफेशन का नाम आ जाएगा अगर है तो, नहीं है तो मेरे जैसे टिक कर देना खाली ब्लॉक, मतलब छोड़ देना। यहाँ पर आपकी वाइफ की डिटेल आएगी, तो वाइफ कहाँ से है और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिख दो, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट एज क्या है तो वो लिख देना भाई, कितनी ईयर मतलब कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के हुए हो उसके अकॉर्डिंग। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपने 10वीं क्लास के अंदर आप कितनी एज के थे वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपकी आई वहाँ पर लिख देना, इतने साल, इतना मंथ और इतने, 10वीं क्लास की लगानी है ये, ना 10वीं क्लास में आप कितने थे। अब आपको देखो यहाँ पर ये पैलेस, बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इन विच यू सिचुएटेड, कहाँ रहते हो, तो आपका गांव है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका स्टेट है, फिर वापस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और रिलीजन आपका जो हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप, और आगे आ जाएगा यू आर मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और ट्रिबल, तो आप किसी उन मतलब जो भी क्षेत्र आते हैं उनके दायरे में आते हो तो आप यहाँ पर नो कर देना और हो तो यस कर देना। आगे आप देखो आपके जो क्वालिफिकेशन है वो वापस यहाँ पर फिल करनी है कि मैंने जो भरा वो सही है और मैंने ये भर रहा हूँ। तो आप पहले तो 10th क्लास का भर दीजिए, 10th क्लास आपने कहाँ से की है, देखो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो पैलेस ऑफ द एजुकेशन वेयर विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर एज, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10वीं क्लास की लगा लो आप सबसे पहले, कौन सी स्कूल थी और कौन सा गांव था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी और क्या वहाँ का पिन कोड था, डेट ऑफ एंट्री आपने कब एडमिशन लिया, डेट ऑफ लिविंग आपने कब पास किया, और एग्जामिनेशन पास कौन सी एग्जाम पास की। सेम इसी प्रकार से भरते हुए चलना है आपको, फिर 12th क्लास की बढ़नी है, फिर BSc की बढ़नी है, फिर MSc की बढ़नी है, फिर BEd बढ़नी है, और कोई आपके पास और कोई ऑप्शन हो तो वो भर सकते हो, ठीक है। आपकी यहाँ पर दे रखा है वर्तमान पोजीशन क्या है, तो जैसे मैंने लिख रखा है सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर सूरतगढ़ यूनिट, ठीक है ना, ये मेरी ऑफिस है, और फुल डिटेल फॉर्म है राजस्थान राज्य बीज एंजाइमिक प्रमाणीकरण संस्था सूरतगढ़। फ्रॉम कब से कब तक है, तो मैंने लिख दिया जब से मैं हूँ 3/10/18 से कंटिन्यू, ठीक है ना, ये आप लिख दो, तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर कर दो। लास्ट के अंदर देखो ये फॉर्म जो है आपको, दो फॉर्म है तो दोनों ही आपको किसी गजेटेड अधिकारी से या किसी प्रिंसिपल या किसी स्कूल लेक्चरर या स्कूल व्याख्याता या फिर अपन कहें कॉलेज लेक्चरर से आपको डॉक्टर से अटेस्टेड करवाने हैं। तो यहाँ पर आपका नाम फिलअप कर लेना भाई, और यहाँ पर फादर का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर कितने साल से वो आपको जानते हैं, तो यहाँ पर 4 साल 5 साल जो भी है वो आ जाएगा, डेट आ जाएगी, यहाँ पर वो अपना साइन और नाम और अपनी सील लगा लें उनसे, तो दोनों फॉर्मों पे लगवा लें भाई सेम, ठीक है, ये भरना आपको, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, और भी कोई डिटेल होगी तो मैं आपको इसमें लास्ट में बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अब आपको आगे फर्स्ट ईयर की जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके ऐसे ऐसे फिलअप करना है, ठीक है। तो आपको ये जरूर आप देखें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है, इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और जैसे ही अनाउंस कर दिया जाएगा उसके बाद में आपको पूरी डिटेल में बता दूँगा।